डीएम के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण अभियान, 6 लोगों पर की गई कार्रवाई। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर डीएम के निर्देश पर नगर पालिका ने बी अम्मा गेट से थाना सिविल लाइन्स तक चलाया अवैध अतिक्रमण अभियान। 6 लोगों पर अतिक्रमण अभियान की कार्रवाई की गई। साथ ही इस मौके पर नगर पालिका ईओ ने लोगों से अपील करी कि अवैध अतिक्रमण ना करें। उन्होंने कहा कि ये अभियान निरंतर आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब आइए सुनते हैं नगर पालिका ईओ अवनीश सिंह और क्या कह रहे हैं। ये बी अम्बा गेट से जो है रेलवे स्टेशन तक हमारा अभियान चलेगा। जब तक ये अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक ये हमारा अभियान चलता रहेगा। इससे पूर्व भी मैंने कई बार इनको नोटिस दी और सूचनाएँ दी, और यहाँ तक कि जो है माइक के द्वारा जो है इनको अनाउंसमेंट भी कराया गया कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें। यहाँ पे ये कार मार्केटिंग का ये वो स्थान नहीं है, उसके बावजूद इनको नहीं ये मान रहे हैं। तो आज मुझे अपनी टीम के साथ और पुलिस बल के सहयोग से जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ये कहाँ पर की गई ये कार्रवाई, किस जगह पर? ये जो है बी अम्बा गेट से लेकर जो है अम्बेडकर पार्क तक की गई। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? अभी हमने इनके जो है अस्थायी अवैध अतिक्रमण था, इसमें जो है मैंने 6 लोगों के खिलाफ जो है चालान काटने की भी कार्रवाई की है। कितना फाइन होगा सर इन पर? फाइन अभी हम एक्यूरेट मुझे नहीं मालूम है, अभी मैं पूछ के मैं आप डिस्कस करके मैं बता दूँगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील मेरी यही है कि यहाँ पर जो है ये मुख्य मार्ग है, इस पर किसी प्रकार का जो है अवैध अतिक्रमण ना करें, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एनएच रोड से कितना अंदर को इलीगल है ये इनका जो है? आगे भी कार्रवाई रहेगी सर क्या? हाँ, ये रेगुलर हमारी कार्रवाई रहेगी।